Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G. भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने श्रीलंका की सरकारी टेलीकॉम कंपनी श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी में हिस्सेदारी खरीदने का इरादा जताया है। ये कदम जियो के वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है, जो पहले से ही भारत में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ चुकी है। श्रीलंका की सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने अनेक क्षेत्रों को निजीकरण का प्रस्ताव दिया था, जिसमें जियो के अलावा दो और कंपनियों ने भी रुचि दिखाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरन्यूज। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सहायक कंपनी ने श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जो श्रीलंका की सरकार की टेलीकॉम कंपनी है। ये कदम जियो के वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है, जो पहले से ही भारत में अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ चुकी है। आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने अनेक क्षेत्रों को निजीकरण का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत उन्होंने 10 नवंबर 2023 को श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए संभावित निवेशकों से प्रस्ताव मांगे थे। 12 जनवरी 2024 को समय सीमा समाप्त होने के बाद श्रीलंका की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स फोर्ट्यून इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड और पेडिको कॉमर्सियो इंटरनेशनल LTA को श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए तीन संभावित बोलीदारों के रूप में नामित किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावों का मूल्यांकन मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के विनिवेश के विशेष दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके पीछे श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यक्रमों के तहत अपने गैर मुख्य क्षेत्रों को निजीकरण के लिए देने का आदेश दिया है। श्रीलंका को 2022 में सरकार के विरोध में उठे प्रदर्शनों के बाद गहरी नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका टेलीकॉम के साथ जियो पड़ोसी बाजार में एक रणनीतिक मजबूती की तलाश में है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज OFA ने जियो प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन $107 अरब कर दिया है। OFA ने एक नोट में कहा है कि वो उम्मीद करता है कि जियो प्लजियो प्लेटफॉर्म्स इस साल अपने उन्नत फीचर फोन जियो भारत और वायरलेस ब्रॉडबैंड डिवाइस जियो एयर फाइबर के साथ अपने ग्राहकों को आकर्षित करना जारी है। ऐसे में जियो प्लेटफॉर्म्स के इस कदम से श्रीलंका के टेलीकॉम उद्योग में एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसमें ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। जियो के द्वारा श्रीलंका टेलीकॉम में निवेश करने से श्रीलंका की सरकार को भी आर्थिक लाभ हो सकता है, जो अपने ऋण भुगतान के लिए निधि इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है।